16 से 22 अगस्त तक रूस में आयोजित जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक हासिल कर पहलवान गौरव बालियान ने पूर्वोत्तर रेलवे का नाम रोशन किया है। 79 किलो भार वर्ग में गौरव ने रूस के पहलवान को 10-0 अंक से पराजित कर जीत हासिल की है। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्यालय गोरखपुर के वाणिज्य विभाग में CCM स्क्वाड में टिकट संग्राहक के पद पर कार्यरत बालियान लगातार अपने पहलवानी की चमक बिखेर रहे हैं। उनकी जीत पर पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी एवं नरसा के सचिव पंकज कुमार सिंह ने बताया कि रेलवे के क्रीडांगन से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी निकलते रहे हैं। गोरखपुर में तैनात पहलवान गौरव बालियान ने विश्व चैंपियनशिप कुश्ती में कांस्य पदक जीतकर देश का नाम रोशन करने के साथ पूर्वोत्तर रेलवे का भी नाम रोशन किया है। उनकी इस उपलब्धि पर पूर्वोत्तर रेलवे को गर्व है। साथ ही गौरव बालियान ने सीनियर वर्ग में भारत के नंबर एक खिलाड़ी को हराकर नया रिकॉर्ड बनाया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी एवं नरसा के सचिव पंकज कुमार सिंह ने कहा, पूर्वोत्तर रेलवे क्रीड़ा संघ के अंतर्गत हम लोग लगातार जो हमारे खेल हैं उनको प्रमोट करते रहते हैं और लगातार हमारे सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम में जो हमारे खिलाड़ी हैं वो प्रैक्टिस करते हैं। जो हम बाहर के बच्चे हैं उनके भी निःशुल्क कोचिंग का वहाँ पे व्यवस्था किया गया है रेलवे द्वारा और यहाँ से कई नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ी निकले हैं और लगातार बड़ी प्रतियोगिताओं में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। अभी गौरव बालियान जो हमारे रेसलर हैं 79 kg भार वर्ग में ये कुश्ती लड़ते हैं, इन्होंने अभी जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता पिछले हफ्ते और सीनियर विश्व चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई इन्होंने आज किया है। आज इन्होंने नरसिंह यादव जो कि एक अर्जुन अवार्डी हैं और बड़े पहलवान हैं इनके भार कैटेगरी में, उनको हरा कर आज इन्होंने भारतीय सीनियर कुश्ती टीम में जगह बनाई है जिसमें ये वर्ल्ड चैंपियनशिप जो होने वाला है उसमें भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये पूरे पूर्वोत्तर रेलवे के लिए गर्व की बात है और हम सभी उनको तथा उनके कोच को इस बड़ी उपलब्धि के लिए बधाई देते हैं।